हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? पिछली क्लास में हमने गॉस लॉ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, लाइक सॉलिड सिलेंडर का मैंने आपको दिया था, बट अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है मेरे पास. ट्राई इट डाउन. और गॉस लॉ का यूज़ करते हुए हम कुछ एंटिटीज़ और हैं जिनका हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और गॉस लॉ का यूज़ करके आज हम फाइंड करेंगे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे आज हम. तो आज हम बात करेंगे स्फीयर्स की, ठीक है? किसकी बात करेंगे? स्फीयर्स की. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्फीयर्स, और आप ध्यान देंगे अच्छे से, ऐसी मुझे उम्मीद है, आई होप. स्टार्ट करते हैं. ओके, तो स्फीयर्स, देखो, एक चीज़ हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन कंडक्टर्स, वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्यों होता है. आप इसे अभी नोट कर लें और क्वेश्चन मार्क लगा लें, जब वक्त आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि इसके परपेंडिकुलर क्यों होता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका परपेंडिकुलर होना. तो हमने देखा कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, और स्फीयर या फिर जो भी कंडक्टर, उस पर चार्ज होता है सरफेस पे रहता है. तो उसी पे आगे बात करते हैं. अब स्फीयर जो है वो आपके कितने टाइप के हो सकते हैं? हमारे डिस्कोर्स में कौन कौन से स्फीयर्स आएंगे? तो हमारे केस में आएगा एक तो होलो कंडक्टर. होलो कंडक्टर मतलब स्फीयर ही है लेकिन वो होलो है. दूसरा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसको आप कंडक्टिंग कर लें, दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग स्फीयर. काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आराम से देखो, आज आपका ऑडियो भी सही हो गया होगा. तीसरा है आपका होलो नॉन कंडक्टिंग, और चौथा और सबसे खतरनाक जो है वो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो इसको आप कह सकते हैं SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, या फिर शैतान नॉन कंडक्टिंग. ये सबसे अलग रहेगा. इसको होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग. अब देखो, हम बात करें सबसे पहले होलो कंडक्टिंग. तो एक स्फीयर है, होलो है, मतलब अंदर कोई मटेरियल नहीं है, होलो है. तो अगर आप इसको जो भी चार्ज दोगे, वो कहाँ चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे. कहाँ पे रहेगा चार्ज? सरफेस. चलो, सॉलिड है बट कंडक्टिंग है, मतलब अंदर इसके मटेरियल है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ रहता है? उसकी सरफेस पे. गुड पॉइंट. नेक्स्ट इज होलो बट नॉन कंडक्टिंग. तो होलो है और नॉन कंडक्टिंग है, तो इसको जो चार्ज दोगे
वो वहीं पे रहेगा जहाँ, देखो नॉन कंडक्टिंग का मतलब मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर होलो है तो एक ही सरफेस है बाहर, तो चार्ज सिर्फ बाहर ही रहेगा। बट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो ये सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो अंदर पूरे वॉल्यूम में होगा, और जैसा आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन दोगे वैसा ही होगा, लेकिन हम अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, इसमें भी यूनिफॉर्म ले रहे हैं, इसमें भी यूनिफॉर्म ले रहे हैं। देखो थोड़ा ना, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर रखो, कंडक्टिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो आपने होलो लिया, आपने इसमें चार्ज दिया, स्फीयर की बात हो रही है सिर्फ, चार्ज दिया तो ये चार्ज कहाँ हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि कर सकता है वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट, और वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। सॉलिड दिया लेकिन अभी भी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, उसका अंदर रहने का कोई चांस ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमेशा वो सरफेस पे रहेगा। तो कंडक्टिंग में तो दोनों में समझ में आ गया, चार्ज सरफेस पे रहेगा, और आप भले कितना भी चार्ज दो, कहीं पर भी दो, वो हमेशा एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फटाक से, क्योंकि यहाँ पर चार्ज बड़ा समझदार है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाए। अब आते हैं नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अपने आप से मूव नहीं कर सकता, पहली बात, ठीक है। तो अगर आपने इसको एकदम ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं दिया है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पहले कह रहा हूँ, लेकिन हमारे केस में नॉन कंडक्टिंग में भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की स्टडी करेंगे, तो पॉजिटिव 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 एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, या आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया अभी मूव नहीं कर पाएगा, नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन होलो है तो आप कहाँ पर चार्ज रख पाओगे, सरफेस पे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसमें भी चार्ज मूव नहीं करेगा, और चार्ज कहाँ रहेगा, अंदर पूरे वॉल्यूम में, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे भी कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस केस में देखा जाएगा। अब अगर इफ आई सी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, इसमें चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, इसमें चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, तो ये जो तीनों हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, कैसा होगा, सेम, इन तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग समथिंग डिफरेंट होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इसका। तो चलो अपन इन तीनों में से किसी एक को उठा लें, क्योंकि बाकी दो का तो वही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक की स्टडी कर लेते हैं। तो एक की स्टडी करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन वो स्फीयर ले लेते हैं जिन पे जो चार्ज है वो सरफेस पे है, सरफेस पे तीन हो सकते हैं आपके, कंडक्टर दोनों और एक होलो नॉन कंडक्टर, तो ये आपका वो, एक तो ये चौक ना, अब इसको आप चाहे होलो कंडक्टर कहो, चाहे सॉलिड कंडक्टर कहो, चाहे होलो नॉन कंडक्टर कहो, तीनों के लिए एक ही चीज़ होगी और वो ये है, सपोज इसकी रेडियस आर है और इस पे जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर कंडक्टर हुआ तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप, लेकिन अगर नॉन कंडक्टर हुआ तो हमें करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन, वो मान लिया गया है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो पॉइंट पे, सेंटर से किसी आर रेडियस तक निकालना है, और पहले हम आर लेस देन आर के लिए निकालेंगे, फिर आर ग्रेटर देन आर के लिए निकालेंगे। तो पहले देखते हैं आर लेस देन आर,
तो यहाँ पर सिमेट्री से मुझे ऐसा लगा कि r लेस देन r, इसका मतलब एक r रेडियस यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं गॉशियन सरफेस बना लेता हूँ। क्योंकि अच्छा पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा, तो मैंने कहा ना कंडक्टर का सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा रेडियली, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा पॉजिटिव के लिए और रेडियली इनवर्ड होगा नेगेटिव के लिए, लाइक दिस। ये सारे सेंटर से पास होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और वो यहाँ से कैसी होगी, परपेंडिकुलर। और क्यों होगी वो हम बाद में देखें। तो पहले मुझे इसके अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनसाइड। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना ली, दिस गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं गॉस लॉ लगाता हूँ आर लेस देन आर के लिए। तो फाई थ्रू ए गॉसियन सरफेस विच इज दिस, फाई थ्रू क्लोज गॉसियन सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो इसकी सरफेस में मैंने चार्ज दिया है वो है क्यू। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पे है, तो क्यू एनक्लोज्ड यहां पर आपका जीरो है। क्यू एनक्लोज कितना है, तो वो जीरो है, तो इसका मतलब फाई कितना है, जीरो। अब फाई जीरो होने का मैंने पिछली बार भी कहा था कि तीन केसेस हो सकते हैं, क्योंकि फाई होता है आपका ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन, और अगर ये क्वांटिटी जीरो है तो इसके तीन केसेस हो सकते हैं कि या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, नहीं तो आपका ds जीरो है अंदर, और नहीं तो आपका थीटा है 90 डिग्री। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब पहली बात तो ये कि अगर आपने गॉसियन सरफेस ली है, आर रेडियस का एक स्फीयर लिया है, तो एरिया तो जीरो नहीं है, और अगर एरिया जीरो नहीं है तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि थीटा हर जगह 90 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह 90 डिग्री एंगल होता, क्लियर है। तो मैं इसमें इसको भी नहीं मानता, एक पॉसिबिलिटी बचती है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो सकता है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होता है, जीरो। चलो अब बात करते हैं अपन इसके बाहर। अगर इसके अब बाहर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करें, तो आर रेडियस का एक स्फीयर बाहर ले लो, ये जो आर आपने अभी अंदर लिया था वही आर का बाहर ले लो, इस बार आर आपका ग्रेटर देन आर होगा। अब इस गॉसियन सरफेस पे क्योंकि हर एक पॉइंट जो है वो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगी बट होगा सेम, क्योंकि गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पर है और ये चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, अब देखते हैं दूसरी बात एरिया वेक्टर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस का एरिया आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ds वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, और E यहाँ पर कांस्टेंट है, E कांस्टेंट होगा ना, यहाँ से हर सेम डिस्टेंस पर है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। चलो अब R ग्रेटर देन R के लिए गॉसियन लॉ लगाते हैं, तो फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज है जो मैंने येलो चार्ज बना रखा है, क्यू चार्ज है, तो दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज फाई, फाई इज ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन,
and which is equal to q by epsilon naught. E dot ds अगर खोलें तो E ds cos दोनों के बीच में एंगल जीरो equals to q upon epsilon naught. Now electric field is constant, ये बाहर आ जाएगा and integration of ds मतलब ये जो एरिया है इसका इंटीग्रेशन, अगर ऐसे ऐसे आप एरिया को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा. क्या आ जाएगा? पूरे स्फीयर का एरिया कितना है? स्फीयर का एरिया 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू ई. तो ई कितना आया यहां से? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के. तो दिस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर. अंदर कितना होगा? जीरो. क्लियर है? तो अगर नोट कर लें इसको, पॉज करके मैं रफ करता हूं. इसके अंदर जीरो होगा और इसके बाहर होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इनसाइड जीरो, आउटसाइड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो आउटसाइड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो दिस इज जस्ट लाइक, जस्ट स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज. स्फीयर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉइंट चार्ज. और अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, मतलब जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. आर जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और ये है R इक्वल्स टू R. इसका मतलब यहाँ पर तो है आपका इनसाइड और इधर है आपका आउटसाइड. यहाँ पर R ग्रेटर देन R और हियर R लेस देन R. तो R लेस देन R में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. R इक्वल्स टू R में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है. KQ upon R square. और उसके बाद आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड R greater than R पे वो है आपका inversely proportional to R. तो वो ऐसा, ठीक है? और यहाँ पर कितना है? KQ upon R square. तो इसके बाहर ये स्फीयर, स्फीयर के अंदर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा कि ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. पॉइंट चार्ज सेंटर पे सेंट्रलाइज आप मान सकते हैं. तो ये बात है होलो कंडक्टिंग परफेक्ट, सॉलिड कंडक्टिंग परफेक्ट, होलो नॉन कंडक्टिंग में भी परफेक्ट है इफ इट इज अश्योर्ड दैट दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. ठीक है, ओके. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. सो नोट कर लें यहां पे, आगे चलते हैं. बाहर बारिश लग रहा है कि आएगी, रिमझिम गिरे सावन वाली फीलिंग आ रही है. ऐसे सावन आया नहीं अभी राउरकेला में. बारिश ना मतलब ऐसा लगता है जैसे सीरिया में बैठे हो आप. बारिश आ रही होती लगता है सीरिया में कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, धड़ा धड़ा बुम ढा बुम. मतलब ऐसे प्यार से बारिश नहीं आती, और राजस्थान में आती प्यार से बारिश. जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आती ना घर में, बारिश भी वैसे ही आ रही होती है कि मैं आ जाऊँ. हाँ भाई आ जा यार, चार साल से सूखा पड़ा है. खैर बहुत गर्मी लग रही है. अब ये आज का लास्ट टॉपिक है. अब देखते हैं हम सॉलिड नॉन
कंडक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो पहली बात, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा कैसा? तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, चलो व्हाइट से बनाते हैं. ये है सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग, और चार्ज है अंदर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? ऐसे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है. एंड दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस आर. और इसमें चार्ज कितना है? तो इसमें दिया हुआ है कि चार्ज है इस पे क्यू. चार्ज कितना है? क्यू. ओके, तो हमें वही फिर से बात आती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. और कहाँ कहाँ निकालना है? एक तो अंदर निकालना है और एक इसके बाहर निकालना है. तो दो जगह है, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर. तो सबसे पहले आर लेस देन आर के लिए वही फंडा कि आप स्मॉल आर पे एक गॉसियन सरफेस बनाएं, ऐसे. तो ये आपने गॉसियन सरफेस बना ली स्मॉल आर पे ऐसी, और अब इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें. तो इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? तो अब गौर करना ध्यान से कि इस गॉसियन सरफेस के बाहर जो भी चार्ज है उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था होलो में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो. तो ये जो बाहर वाले चार्ज हैं उनकी अगर पतली पतली स्ट्रिप्स, पतले पतले स्फीयर बना दिए जाएँ तो वो सारे होलो 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 ऐसे हो जाएंगे, तो उनकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. तो इसके बाहर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो अंदर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसा. और एरिया वेक्टर भी ऐसा ही होगा, दोनों बीच में एंगल जीरो डिग्री होगा. चलो हम इसके लिए हम गॉस लॉ लगा लेते हैं. तो फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज. अब इसके अंदर कितना चार्ज है? तो टोटल क्यू चार्ज है आपका पूरे वॉल्यूम में, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये तो हो गया चार्ज डेंसिटी, इंटू आपका छोटे स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. तो दिस इज क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये घट गया. तो फाई आया आपका क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब. अब फाई क्या होता है? तो वो होता है ई डॉट डी एस. तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, डॉट हटा दिया मैंने, ये ई डी एस कॉस जीरो, यहाँ पर एंगल जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा, बाहर आ गया. डी एस का इंटीग्रेशन फिर से वही 4π r² डी एस मतलब इस क्वेश्चन सरफेस का टोटल एरिया इक्वल्स टू क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू. तो यहाँ से आर स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? अच्छा, यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट भी था, सॉरी ये वाला. तो ई आया आपका क्यू आर अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब के अपॉन आर क्यूब. बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ ग्राफ इन साइड में आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, दिस होल क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन. और ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा किसके बराबर होगा? y इक्वल्स टू एम एक्स. तो टेन थीटा m, m कितना है? ये रहा y इक्वल्स टू एम एक्स.
टेन थीटा किसके बराबर है, के क्यू अपॉन आर क्यू के। तो ये तो वही अंदर की बात, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये अंदर की बात हुई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बढ़ता जाएगा, सेंटर पे कितना होगा, एकदम जीरो। अब अगर मैं इसके बाहर निकालना चाहूं तो बाहर एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं और फिर वहां से एक ये लो। अब ये आर आपने बाहर ले लिया, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। फिर से वही बातें, गॉस लॉ लगा देते हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज्ड इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज है, पिछली बार सिर्फ इतना ही लिया था, अब पूरा चार्ज है, कितना चार्ज, क्यू। तो फाई इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई होगा आपका इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी एस का इंटीग्रेशन फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो होलो वाले को फिर से जाके रिमाइंड कर ले, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया यहाँ पर, दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक ए पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज। तो आर ग्रेटर देन आर के लिए फिर से वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सॉलिड का है, सॉलिड मैंने कहा था काफी कंफ्यूजिंग है, सॉलिड में क्या होगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये याद रखना आप, ठीक है, नोट कर लें। बारिश आने वाली है, कभी भी बंद हो सकता है रिकॉर्डिंग। अच्छा आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको जो मैं भेजूँगा वही मिलेगा ना। चलो अब थोड़ा इसको ना, जैसे ये आया ना, ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया के क्यू आर अपॉन आर क्यू, थोड़े ध्यान से देखना इसको। कई बार चार्ज की बजाय अंदर ये डेंसिटी दे रखी होगी कि अंदर डेंसिटी रो है, कि नहीं डेंसिटी रो, तो रो के टर्म में उसको कैसे लिखेंगे, इसको रो के टर्म में लिखना है। तो के क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आर क्यूब एंड ये तो हो गया के, ये क्यू, ये आर, ठीक है, वही लिखा है, अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो रो अगर दिया हुआ है तो रो किसके बराबर होगा, तो रो होगा आपका क्यू अपॉन फोर बाय थ्री पाई आर क्यू, ये रो होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Q अपॉन 4 बाई 3 पाई आर क्यू, ये हो गया आपका रो। तो E कितना आया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसा ये है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, कई बार रो के टर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखें, कितना होगा, रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। मुझे ये ज़्यादा याद रहता है, ये कम ही रहता है याद, ये भी अच्छा ही है वैसे, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सो थैंक यू आपके इस पेशेंस के लिए, मुझे सहन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।